पब्लिक टीवी आपकी आवाज। नगर पालिका निगम चिरमिरी जो कोरिया जिले का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है और केंद्र सरकार को इस क्षेत्र से रॉयल्टी के रूप में करोड़ों रुपए की आय होती आ रही है, इसके बावजूद इस क्षेत्र के मार्गों एवं मार्गों में बने हुए भवन दुकानदार तथा सब्जी वाले अपना ठेला दिन प्रतिदिन मार्गों में बढ़ाते जा रहे हैं, जिसके चलते आम नागरिकों को इस व्यस्त मार्ग पर चलना दिन ब दिन दुर्बल होता जा रहा है। जबकि छत्तीसगढ़ के कई जिलों में कई स्थानों में अतिक्रमण हटाए गए, तोड़े गए और मार्गों का निर्माण कर मार्गों का चौड़ीकरण किया गया, लेकिन यह क्षेत्र नगरपालिका निगम होने के बावजूद भी आज तक नगरपालिका द्वारा और न ही जिम्मेदार अधिकारियों ने इस ओर कोई ध्यान दिया, जिसके चलते मार्गों का चौड़ीकरण दिन ब दिन कम होता जा रहा है। वर्षों से जमे ट्रैफिक पुलिस के कुछ कर्मचारी जो ट्रैफिक व्यवस्था को देखने की बजाय मोबाइल या अपनी पॉकेट भरने में इस तरह व्यस्त रहते हैं, अगर इन्हें इनके कार्य के बारे में अवगत कराएं तो डंके की चोट में कहते हैं कि जिससे शिकायत करना है कर दो। हालत ऐसी है कि मजबूरन आदमी को जिस मार्ग में चलना दिन ब दिन खतरे से खेलने के बराबर है, जहां स्कूली बच्चे एवं आम नागरिकों को अपनी जान बचाकर इस मार्ग में चलना पड़ रहा है। हालांकि नगर पालिका निगम चिरमिरी के महापौर ने इस संबंध में नगर पालिका निगम चिरमिरी के आयुक्त और पुलिस प्रशासन को पत्र लिखकर बढ़ते हुए अतिक्रमण और इस मार्ग में यातायात व्यवस्था के संबंध में पत्र लिखकर उन्हें अवगत कराया है। उसके बावजूद भी स्थानीय ट्रैफिक पुलिस के कुछ कर्मचारी जो अपनी मनमानी करते हुए देखे जा रहे हैं, जिसके चलते आए दिन यहाँ गाड़ियों का जाम लगना आम बात हो चुकी है, जहां पर छोटे से बड़े गाड़ियों वालों को गाड़ियां लगाने के लिए ना कोई पार्किंग की व्यवस्था है ना कहीं रखने की कोई व्यवस्था की गई है, जिसके चलते आम नागरिक दुकानों के सामने ही अपने वाहनों को आड़े तिरछे रखकर खरीदारी करने चले जाते हैं, जिसके चलते गाड़ियों का जाम होना आम बात हो चुकी है। इस संबंध में जब हमने ट्रैफिक पुलिस को बताया तो आग बबूला हो गए और अनाप शनाप बातें कहने लगे। अपनी करनी को छुपाने के लिए वे हमें ही दोषी ठहराने लगे। ऐसे कर्मचारियों को काफी समय से यहाँ पास एक ही स्थान पर जमे हुए हैं, उन्हें जिले से बाहर तत्काल ट्रांसफर किया जाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है।